अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ मुमताज़। मेरे चैनल पर आप सबको स्वागत है। जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अच्छा लगा तो, और जो सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबको थैंक यू सो मच। तो आज जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ, बंगाली का बहुत ही पॉपुलर एक रेसिपी है, तो एचोर चिंगड़ी। एचोर चिंगड़ी बोलते हैं इस रेसिपी को। तो ये कच्चा कटहल को उबाला हुआ गया है हल्दी और नमक देके। तो ये देखिए उबल कर रख दिया। अभी मैं स्टार्ट करूँगी और कैसे बनाते हैं मैं दिखा दूँगी, और क्या क्या मसाला यूज़ होगा वो भी मैं बनाने के टाइम ही दिखा दूँगी। तो चलो शुरू करते बकबक ना करके। तो ये देखिए तेल कढ़ाई दे दिया। कढ़ाई में सरसों का तेल में से ये रेसिपी बनाओ अच्छा लगेगा ज़्यादा। अभी झींगा मच्छी को दे दिया, हल्दी और नमक लगा के रखी थी, अभी उठा लिया। 2 सेकंड तक फ्राई किया, ज़्यादा फ्राई करेंगे तो झींगा मच्छी सख्त हो जाता है। तो उसी तेल में अभी दे दिया प्याज और थोड़ा सा तेल भी ऐड कर दिया। सूखा मिर्ची दे दिया 2, तेज़पत्ता, नमक दे दिया 1 चम्मच। अभी एक एक करके हर सारे मसाले को दे दूँगी। तो अदरक लहसुन का पेस्ट दे दिया सबसे पहले। ये देखिए थोड़ा सा भूनने के बाद अभी दे दिया टमाटर। टमाटर देने के बाद एक एक करके सब मसाले को दे दूँगी, जैसे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और कादा मसाला। तो देने के बाद थोड़ा सा पानी दे के अच्छे से भून लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी दे के मसाला को बहुत अच्छे से भूनना पड़ेगा, तेल ऊपर आ जाएगा। तो बटाटा देना पड़ेगा। बटाटे को अच्छे से फ्राई करने के बाद दे दिया उबला हुआ कटहल। तो कटहल देने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी दे के इसको अच्छे से भूनना पड़ेगा। तो ऐसे भी उबला हुआ कटहल है तो पहले से ही कुक हो चुका था, तो 80% कुक था। तो अभी 15 मिनट के लिए ढक के रख दिया था, तो अभी फुल कुक हो गया। तो अभी इसी टाइम में जो फ्राई किया हुआ था झींगा मच्छी और झींगा मच्छी इसी टाइम पे दे देना पड़ेगा। तो पानी आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो, मैं सूखा सूखा करूँगी इसलिए मैं थोड़ा कम पानी डाला था। तेज़पत्ते ऊपर से उठा के फेंक दिया। तो ये देखिए अभी जो झींगा मच्छी फ्राई करके रख दी थी ये अभी दे दिया। तो ये इसी टाइम पे झींगा मच्छी फ्राई किया हुआ देना पड़ेगा। तो अभी इसी टाइम पे दे दिया। अभी अच्छे से और भी थोड़ा सा भून लूँगी। तो इसी टाइप इसमें ग्रेवी आप लोगों को चाहे तो गर्म पानी करके इसमें डाल सकते हो थोड़ा सा। मैं तो सूखा ही रखूँगी इसलिए ऐसे रख दिया। और ये रेसिपी चावल और रोटी के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो घर में ज़रूर ट्राई करना। कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि अगले जब भी ऐसा यूनिक रेसिपी हमें अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके पास आ जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहो, बिंदास रहो और ऐसे ही मेरे साथ रहो। प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, हर हमेशा लाइक करना भूल जाते हो, लाइक का संख्या बहुत ही कम रहता है। तो चलो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।